मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस फ्रेंड देवबंद में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं जीके सीरीज 7। तो सीरीज 7 में क्या है, वही डेली की तरह इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किए जाएंगे। ये क्वेश्चंस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, तो आप इनको नोट करते रहिए साथ साथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द्रव का निश्चित आयतन किस उपकरण के द्वारा निकाला जाता है, यानी कि हम जो वॉल्यूम ज्ञात करते हैं उसे पिपेट बोलते हैं, लेबोरेटरी में प्रयोग किया जाता है। ये पिपेट दिया गया है, यहाँ पर इसकी रीडिंग आती है, फिर है ना, समझो कि जैसे एक इंजेक्शन होता है, सिंपली इंजेक्शन की तरह है ये। तो द्रव का आकार, ये आयतन हम किससे मेजर करते हैं, पिपेट से। सेकेंड क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग UPSC, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आर्टिकल नंबर 312 और 315 तक आएगा, 312 से 315 तक का इसका वर्णन है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है, तो 6 वर्ष के लिए होती है। 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की अधिकतम आयु, 65 वर्ष की अधिकतम आयु जो भी पहले हो वो रिटायरमेंट की डेट मानी जाती है। और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। अन्य सदस्यों की कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। हमारे यूपीएससी का ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में, है ना, जो IAS की परीक्षा लेता है, IAS या IPS, इसको हम ICS कहेंगे, इंडियन सिविल सर्विस, या फिर CDS की, है ना, या IES की, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, तमाम इन चीजों के लिए परीक्षा लेता है UPSC। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा सांसदों के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कितनी बार, पहली बार कब हुई थी, तो 2 अप्रैल 1954 में। देखना इसमें 3 समूह होते हैं, क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल, और प्रत्येक दूसरे वर्ष 2 वर्ष बाद इनके चुनाव होते रहते हैं, यानी कि जो 1/3 सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्यों का कार्यकाल है ना, का 6 वर्ष का होता है, और फिर प्रत्येक दूसरे वर्ष बाद इलेक्शन होते हैं, तो 1/3 सदस्यों के होते हैं, यानी कि इसमें टोटल कितने राज्यसभा में सदस्य होते हैं, 245 में लगभग 233 का तो इलेक्शन होता है, और 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये क्या होते हैं, मनोनीत। तो इसकी हमने एक पहले वीडियो बनाई है संविधान पर कि मनोनीत कौन करते हैं, राज्य राष्ट्रपति महोदय करते हैं। 233 का इलेक्शन, 233 के 3 ग्रुप बनाए गए हैं, जैसे एक 82 का बना देंगे, दूसरा भी 82 का बनाएंगे, और तीसरा 83 का बना देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 245 4 7 और 3 10, तो करीब ये 81 और 82 का हमने ग्रुप बनाया, तो ये करीब इतने सदस्य बैठते हैं। खैर, 233 का जो इलेक्शन हो गया, तो जो पहले ग्रुप था 81, इसका जो सेवानिवृत्ति की डेट थी वो 1984 में हुए थे पहली बार। ओके, नंबर 4, स्टेफीग्राफ किस देश से संबंधित है और किस के खिलाड़ी, तो टेनिस की खिलाड़ी है, जर्मनी की है स्टेफीग्राफ, इनके भी काफी अच्छे रिपोर्ट्स बने हुए हैं। तो ये किसकी खिलाड़ी दिखाई गई है यहाँ पर चित्र में, आप देखिएगा, स्टेफीग्राफ, ये जर्मन की खिलाड़ी रही है, मशहूर खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको बोलते हैं एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1985 को, 16 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस मनाते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, कौन सा कार्बनिक यौगिक मीरबेन के तेल के नाम से भी जाना जाता है, मीरबेन का तेल, है ना, तो इन जानते हैं नाइट्रोबेंजीन को, मीरबेन का तेल किसको, नाइट्रोबेंजीन को, नाइट्रोबेंजीन को हम उसमें चिकनाई के रूप में भी ज्यादा यूज करते हैं, देखना ही नाइट्रोबेंजीन दिखाया गया है चित्र में, क्या नाइट्रोबेंजीन, और इसका प्रयोग किसमें होता है, चिकनाई तेल, रंजक, दवाओं या कीटनाशकों, और कृत्रिम रबड़ का विनिर्माण करते हैं, एनिलीन का विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब इससे तैयार किया जाता है, तो नाइट्रोबेंजीन नाम है इसका। और दूसरा साधारण नाम क्या, मीरबेन का तेल, मीरबेन का तेल। नंबर 7, गुरुवायूर सत्याग्रह के दौरान किसने आमरण अनशन किया था, गुरुवायूर के केरप्पन ने, है ना, गुरुवायूर का जो विद्रोह हुआ था ये केरल में हुआ था, केरल में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, किस खनिज पदार्थ का प्रमुख स्रोत चाय है, है ना, तो चाय से हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम, पोटेशियम क्या, एक तो एक्टिविटी बढ़ाता है, दूसरा हृदय के लिए भी लाभकारी होता है, वैसे चाय के मेरिट और डिमेरिट दोनों भी हैं, तो मेरिट में आएगा कि चाय से हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम, जो हमारे शरीर के में पोटेशियम की आपूर्ति को पूरा करता है। नंबर 9, बाबर नामक की रचना किसके द्वारा की गई, अब्दुल रहीम खान खाना, है ना, ये किसके दरबार में थे, जैसे होते हैं ना नौ रत्न ये दरबार में आ जाएंगे अकबर के, वैसे तो उसमें भी हुआ करते थे गुप्त साम्राज्य में,
ना एक उसमें हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसमें भी नौ रत्न थे और अकबर के दरबार में भी नौ रत्न थे। उन नौ रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना थे। ओके नंबर 10, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 54 इसके सदस्य देशों की संख्या है। ये यूएनओ की एक अनुसंगी संस्था होती है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक ये क्या ब्रांच कहिए या एक कंप्लीमेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 11, प्रतिनिधियों की सभा को संगम युग में क्या कहा जाता है? मनरम। संगम काल हम पढ़ेंगे दक्षिण में, जो दक्षिण भारत में हुआ है संगम युग, जिसमें चोल चेर और पांडे आएंगे, तो उसमें मनरम कहा जाता था किसको? सभा को। मनरम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सभा के लिए। आगे आइएगा, खट्टे फलों को कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाएगा, यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या होता है? स्कोर्बिक एसिड, है ना, स्कोर्बिक एसिड। स्कोर्बिक एसिड किसका नाम है? ये स्कोर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम, या सिट्रा कहिए, है ना, सिट्रा। विटामिन सी खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है, सबसे अधिक खट्टा पर किस में होगा? आंवला में। नंबर 13, भारत में स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम, है ना, प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? है ना, अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान को सबसे पहले फांसी हुई थी, ये प्रथम मुस्लिम थे। ओके नंबर 17, सेल द्वारा उत्पन्न विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, यानी कि जो बैटरी होती है सेल, इसका विभवांतर हम किस में नापते हैं? पोटेंशियल वोल्ट में, जैसे कितने वोल्ट की बैटरी होती है, इस टाइप से बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, अनवर फरुखाबादी किस क्षेत्र से संबंधित है? गजल गायकी, है ना, यह गजल के गायक हैं अब्दुल्ला फारूकी, अनवर फारूकी। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? 14 डेज तक, 14 दिन तक राज्यसभा में। धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ये लोकसभा में किया जाता है, जैसे संसद के दो सदन होंगे लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में तो प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नाम मात्र के लिए भेजा जाएगा, मात्र 14 दिन के लिए। 14 दिन के बाद ये पास ही माना जाएगा, यहाँ से 14 डेज के लिए भेजा जाएगा इसमें, 14 डेज। अगर इसने पारित नहीं किया तो ये पारित ही माना जाएगा, यानी कि राज्यसभा डोमिनेट रहती है धन विधेयक। धन विधेयक को कहाँ परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110 में परिभाषा है इनकी, 108 में आ जाएगा संयुक्त अधिवेशन। तो नंबर 17, शिमला का सन्यासी किसको कहा जाता है? ए ह्यूम को, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ह्यूम, ये किसका नाम है? शिमला का सन्यासी। तो ए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, कांग्रेस की स्थापना है ना 28 दिसंबर सन 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये किसने की थी? एओयू। नंबर 18, रेशम का उत्पादन कौन सा राज्य सर्वाधिक करता है? तो रेशम का उत्पादन कर्नाटक करता है, कर्नाटक में इससे हम रेशम उत्पादित करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी, शहतूत का पेड़ सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, क्योंकि शहतूत के पेड़ से ही सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है। नंबर 19, बाघा बॉर्डर किन देशों के बीच में? भारत पाकिस्तान के बीच में बाघा बॉर्डर, ये तो बहुत फेमस रहा है बाघा बॉर्डर, यहाँ पर प्रत्येक दिन दोनों सेनाओं की ट्रेनिंग भी हुआ करती, परेड होती है यहाँ पर इवनिंग में। नंबर 20, हमारी आकाश गंगा में सर्वाधिक शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? है ना, नेबुला, ओरियन नेबुला। तो नेबुला के नाम से सबसे चमकीले और शीतल तारे होते हैं। आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी भी है, या मंदाकिनी, या गैलेक्सी, या आकाशगंगा, या मिल्की वे, दुग्ध मेघला, ये सब एक ही नाम है। क्वेश्चन है, हमें आकाशगंगा को यूरोप के देशों में किस नाम से जानते हैं? तो गैलेक्सी के नाम से जानते हैं ना, गैलेक्सी। नंबर 21, ब्राजील की धारा किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा ब्राजील की, जो ब्राजील देश के पास से गुजरती है, तो एक ये भूगोल का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन में हमने सारे मिक्स क्वेश्चन किए हैं, भूगोल के भी, इतिहास के भी, या कुछ जैसे परीक्षा में आते हैं, समझिए परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं मिक्स करके देते हैं, तो हमने भी ये मिक्स किए हैं, इसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी आपको कराए जाएंगे। नंबर 22, दक्षिणी अमेरिका के द्वार के नाम से प्रसिद्ध कौन सा? वेनेजुएला, वेनेजुएला, यहाँ की राजधानी कराकस, इसे क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के द्वार के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष के प्रथम सत्र और लोकसभा के प्रथम सत्र में कौन संबंधित है? राष्ट्रपति, यानी कि लोकसभा का प्रथम सत्र कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति महोदय, और वर्ष का प्रथम कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति महोदय। नंबर 24, केंद्र सरकार की वर्षा बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2004 में ना, वर्षा बीमा योजना, वर्षा से जो फसल को नुकसान होता है उसका भी बीमा होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 25,
भारत में बाघों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन आता है कि बाघ सबसे अधिक किस उसमें है राज्य में, यानी कि टाइगर श्रेणी के जो आएंगे चीता मध्य प्रदेश में आएंगे, और यही बाघों की जनगणना कराने वाला प्रथम राज्य भी बना है। और व्हाइट टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? श्वेत सफेद चीता यानी कि व्हाइट टाइगर, ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, और वैसे सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नंबर 26, दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह सूरी, पुराने किले के नाम से शेरशाह सूरी। ओके। नंबर 27, चक्रधर फेलोशिप किसके द्वारा दी जाती है? शास्त्रीय नृत्य के लिए दी जाती है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 6। नंबर 28, साइमन कमीशन किस वायसराय के समय में भारत में आया था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन आया था, है ना। साइमन कमीशन यहाँ पर 1928 को आया था, और इरविन का समय कितना था? लॉर्ड इरविन का 1926 से 1931 तक, है ना। तो ये कब आया था? यहाँ पर 1928 में साइमन कमीशन को लेकर यहाँ पर विरोध हुए थे, और जब यहाँ पर एक लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, सोंडर्स की हत्या कर दी गई थी। नंबर 29, दीन इलाही को सबसे पहले किस हिंदू राजा ने स्वीकार किया था? बीरबल ने। बीरबल उनके नवरत्नों में से भी था, जैसे नवरत्न थे, नवरत्न नाइन ज्वेल में से भी एक बीरबल था। 30, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट एक लोहे का अयस्क होता है, हेमेटाइट। तो लोहा सबसे अधिक कहाँ पर उत्पादित होता है? पश्चिम बंगाल में और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, यहाँ पर लोहे के उगने हैं। और जैसे दुर्गापुर है, भिलाई, राउरकेला, ये लोहे के खाने के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 31, किस देश में मृत शरीर को हजारों सालों तक संरक्षित रखा जाता है? मिस्र। जो मिस्र के पिरामिड बने हुए हैं, पिरामिड की यही मान्यता थी, ये इसीलिए बनाया गया था कि यहाँ पर कब्र बनाई गई थी। क्वेश्चन है कि पिरामिड क्या है? एक प्रकार की कब्र है, उनमें उनकी मान्यता थी कि यहाँ पर जीवित रहते हैं शरीर, ऐसे पिरामिड बना दिया गया। 32, कितने कैरेट का सोना सर्वाधिक शुद्ध होता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट का सोना सर्वाधिक शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 33, मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? केरल में हुआ था, मोपलाओं ने किया था, है ना। ये मुस्लिम वहाँ के मोपला कहलाते हैं। केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 में स्थानीय जमींदारों द्वारा ब्रिटेनियों के विरुद्ध किया गया था, यानी कि ब्रिटिश सरकार के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। मोपला क्या थे? इसके जो नेता थे अली मुसलियार, क्या नाम था? अली मुसलियार। केरल के मुसलमान थे जिन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था। आगे आइएगा। नंबर 34, पीलिया से कौन सा मानव अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है, यकृत पीलिया से हो जाएगा। जैसे लीवर दिखाया गया, यकृत के क्या नाम होते हैं? लीवर। लीवर या जिगर भी बोलते हैं, जिगर। लीवर या जिगर एक ही है दोनों, लीवर जिगर या यकृत। तो यकृत प्रभावित होता है पीलिया से। ओके। नंबर 35, शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव किनका था? दादाजी कोंडदेव। देखना पिछले वीडियो में हमने बताया था शिवाजी के गुरु का क्या नाम था, समर्थ गुरु रामदास, और शिवाजी के संरक्षक का नाम क्या था? दादाजी कोंडदेव। इन जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव था। ओके। नंबर 36, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? उमा भारती बनी सबसे पहले मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 37 शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर और अट्टम भी था, है ना। सादिर और अट्टम, देखिए ध्यान दीजिएगा, नया नाम है पहली बार एग्जाम में। तो भरतनाट्यम था। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका तमिलनाडु का, तमिलनाडु राजधानी चेन्नई। तो ये क्या है? भरतनाट्यम, ऐसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, सेबी SEBI सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ अष्टम पर स्थित है? ना दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, ये तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। देखना फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी। भारत में प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल सन 1988 में हुई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? SEBI, फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। और हिंदी में क्या नाम हो जाएगा? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्थापना 1988 में, मुख्यालय मुंबई। और ये क्या करता है सेबी? कोई कंपनी होगी उन्हें शेयर मार्केट में लिस्टेड करता है, सूचीबद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 39, बारिश के बाद किसान खेतों की जुताई के उद्देश्य से क्या करता है? केश नलियों को तोड़ने के लिए, जो भूमिगत जल है वो केश नलियों के द्वारा भीतर जाता है तो उसको तोड़ते हैं, खेत में नमी आ जाती है, जो केश नलियां कैपिलरीज होंगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किस पोषक तत्व की कमी से अल्जाइमर रोग होता है? प्रोटीन की कमी से अल्जाइमर रोग।
कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और भी अदर एग्जामिनेशन से। अल्जाइमर रोग, प्रोटीन की कमी से 41। अंतरराष्ट्रीय परिषद किस प्रकार की इकाई है? संवैधानिक इकाई, अंतरराष्ट्रीय परिषद है ना ये, अंतरराज्य भी और अंतरराष्ट्रीय भी संवैधानिक है, तो इनको उल्लेख संविधान में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 42, हीथ्रो एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? लंदन में, हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन में स्थित। अच्छा 43, किस प्रदेश में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? किसी प्रदेश में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में, तो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देगा। और संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसको देगा? राष्ट्रपति को देता है। जैसे पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में लोक सेवा आयोग, इसका जो अध्यक्ष होगा राज्यपाल को, और जो यूपीएससी होगा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति को, ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। नंबर 44, भारत में प्रयोग के रूप में रंगीन टीवी का परीक्षण कब हुआ था? 1981 में, रंगीन टीवी, कलर टीवी। देखना क्वेश्चन ऐसे आता है कि कलर टीवी के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन्स गन्स होती हैं, तो तीन होती हैं। किस कलर की? जैसे रेड, ब्लू और ग्रीन, रेड ब्लू और ग्रीन, RBG, इनको बेसिक कलर बोलते हैं, प्राथमिक रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 45, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से, कस्तूरबा गांधी योजना। नंबर 46, जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ पर बहती है? जैसे कश्मीर में, लद्दाख और जास्कर की श्रेणी, हिमालय पर्वत को लद्दाख और जास्कर कहा जाता है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी। पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उन्होंने एक अपना उपन्यास लिखा है आनंद मठ, आनंद मठ, आनंद मठ में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसे पढ़ने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड का समय, यानी कि 1 मिनट और 5 सेकंड, टोटल 65 सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है 48, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सलीम अली, सलीम अली, ये सलीम अली का चित्र है। तो इन्होंने होता है ना पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओर्निथोलॉजी। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया ये चित्र दिया गया सलीम अली का, और भारतीय डाक पर भी इनका चित्र है, डाक टिकट पर। ओके 49, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन थे? अकबर के नवरत्नों में से, आईने अकबरी। ओके क्वेश्चन नंबर 50, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अब कौन है? राजीव, जैसे अब कौन है? राजीव कुमार। योजना आयोग का नाम क्या है? NITI नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 से कार्य करना शुरू किया था, 51 से, लेकिन 2015 में इसका नाम, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम क्या हुआ? नीति। तो नीति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री है ना, और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री, वो कौन है? जैसे राजीव, और प्रथम कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ये भारत के लिए योजना तैयार करती है, और इन योजनाओं को जो अंतिम रूप दिया जाता है या NDC के द्वारा दिया जाता है, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये गैर संवैधानिक संस्थाएं, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। ओके तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस हुए हैं, तो आप चाहे तो इनको नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में, तभी इनका कुछ फायदा मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कीजिएगा। ओके थैंक यू।